बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल श्रीनगर यूट्यूब चैनल। आई एम यूर केमिस्ट्री ट्यूटर और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है वो प्योर होता है? पहले हमने पढ़ा मैटर, उसके फिर टाइप्स होमोजीनियस और हिटेरोजीनियस। मैटर किसे कहते हैं? आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? इसको समझने के लिए हम करेंगे काम, लेंगे एक बीकर, बीकर में हम लेंगे बहुत ज्यादा पानी और इस पानी में हम ऐड करेंगे साल्ट, थोड़ा सा साल्ट, एक टी टेबल स्पून साल्ट इसमें ऐड करेंगे। अब देखो यहां पर ये हमें बन गया साल्टी वाटर और हमने इससे पहले डिस्कस किया था इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम कंपेयर करेंगे यहां पर वाटर और साल्ट को, तो यहां पर वाटर ज्यादा है एज कंपेयर टू साल्ट और साल्ट कम है एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर में साल्ट हो रहा है डिजॉल्व, हल हो रहा है, गुल हो रहा है। इट गेट्स डिजॉल्वड, व्हाट गेट्स डिजॉल्वड, साल्ट गेट्स डिजॉल्वड इन वाटर, वाटर साल्ट को डिजॉल्व कर रहा है। तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन में होते हैं दो चीजें, एक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट उस कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को कहते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है और जो दूसरे कंपोनेंट को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी एंड डिजॉल्व्स अदर सब्सटेंस या अदर कंपोनेंट, उसी को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और वो कंपोनेंट जो स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और डिजॉल्व हो जाए, हल हो जाए, किसमें हल हो जाए, सॉल्वेंट में, उसे कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट सॉल्यूशन में उस हिस्से को कहते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है और जो दूसरे कंपोनेंट को डिजॉल्व करता है, और सॉल्यूट उस कंपोनेंट को कहते हैं जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और वो डिजॉल्व होता है किसमें, सॉल्वेंट में। तो हम यहां पर अब लिखेंगे डिफिनिशन, किसकी डिफिनिशन लिखेंगे, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यहां पर ये पॉइंट ऐड करो, हम कभी कभार बोलते हैं सब्सटेंस, कभी कभार बोलते हैं कंपोनेंट। मिक्सचर में चाहे हम कंपोनेंट बोलेंगे या सब्सटेंस बोलेंगे, एक ही बात है। और हम 9th क्लास में सिर्फ वो मिक्सचर डिस्कस करते हैं जिनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते हैं, उसे हम दूसरा नाम बोलते हैं बाइनरी मिक्सचर या टू कंपोनेंट मिक्सचर। अब देखो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। उसके बाद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, यह होगी डिफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट किसे कहते हैं। सॉल्वेंट इज ए मेजर कंपोनेंट, सॉल्वेंट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं सॉल्वेंट, एंड डिजॉल्व्स इसमें पोटेंशियल होती है, इसकी कैपेसिटी होती है सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की, एंड डिजॉल्व्स सॉल्यूट।
उसे कहते हैं सॉल्वेंट। उसके बाद सोल्यूट किसे कहते हैं, सोल्यूट इज ए माइनर कंपोनेंट, यानी कि जो कम तादाद में प्रेजेंट हो, इज अ माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का माइनर कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। सॉल्यूट इज अ माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड गेट्स डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, और वो किसमें डिजॉल्व होता है, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। ये हो गई सॉल्यूशन किसे कहते हैं और सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसे कहते हैं, ये हो गई इसकी डिफिनिशंस। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम वही वापस उसी को डिस्कस करेंगे जो अभी हमने सॉल्यूशन को समझने के लिए डिस्कस किया। वही वाटर, उसमें हमने डाला है साल्ट, थोड़ा बहुत साल्ट, वाटर ज्यादा है। अब मुझे बोलो वाटर क्या है, यहां पर सॉल्वेंट, और साल्ट क्या है, सॉल्यूट। वाटर है सॉल्वेंट और साल्ट क्या है, सॉल्यूट। ये हमें पता है, क्यों इसको क्यों सॉल्यूट बोलते हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, स्मॉलर क्वांटिटी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्यों इसको वाटर को बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। और वाट ये सॉल्वेंट की और एक इंपॉर्टेंस होती है, ये दूसरी चीज को डिजोल्व करता है, और सॉल्यूट डिजोल्व होता है इसमें सॉल्वेंट में। अब देखो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कितना सॉल्यूट है सॉल्वेंट में, हाउ मच क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं हम कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या द क्वांटिटी बोल सकते हैं, द क्वांटिटी या अमाउंट, द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसी को हम नाम देते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सिंस हम साइंस पढ़ते हैं और साइंस में हर चीज सिस्टमेटिक है, साइंस की अपनी लैंग्वेज है, ये अपनी एक लैंग्वेज यूज करता है, तो केमिस्ट्री में हम कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बयान कैसे करते हैं, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन नाइन्थ क्लास में आपको सिर्फ सिंपल और दो ही तरीके बोले गए हैं, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला जो तरीका है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का, वो है परसेंटेज बाय मास। उसको कैसे निकालते हैं, मैथमेटिकल एक इक्वेशन है, हम ऐसे लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो होगी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक तरीका है निकालने का कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर हमने लिखा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है बराबर, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है, पता ही है कि सॉल्यूशन किसका बना है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, उनके मास को सम करो वो बनेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखेंगे यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट,
मास ऑफ सॉल्वेंट। ये है कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें लास्ट में क्या निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वो क्या करेंगे हम, कम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज बाय वॉल्यूम, क्योंकि लिक्विड्स का हम वॉल्यूम लेते हैं और सॉलिड्स का हम मास लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दूसरा जो तरीका है हमारे पास वह है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा बराबर, ज्यादातर हम केमिस्ट्री में लिक्विड्स के साथ डील करते हैं, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पर मास को काटकर यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, यहां पर मास की जगह वॉल्यूम लिखना, यह दूसरा तरीका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये दूसरा तरीका है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब न्यूमेरिकल है हमारे लिए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकती है, जब 10 ml ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्वड इन 90 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अब यहां पर हमें पहचानना है कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। सिंपल सी बात है, जो कम तादाद में होगा, कम क्वांटिटी में होगा, उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। अब यहां पर 10 ml अल्कोहल के है, 90 ml डिस्टिल्ड वाटर के है, सिंपली डिस्टिल्ड वाटर होगा सॉल्वेंट और अल्कोहल क्या होगा सॉल्यूट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीका, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम दिया गया है मिलीलीटर मिलीलीटर, तो हम दूसरा वो वाला मेथड वो इस्तेमाल करेंगे। हम यहां पर पहले ऐसे करेंगे काम, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल जो हमारा सॉल्वेंट है वो कितना है, वो है 10 ml। पहले ये लिखना होता है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो हमारे पास है उसका वॉल्यूम कितना है, वो है 90 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बनेगा, ये इसको सम करके बनेगा 100 ml। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी हमने कैलकुलेट किया। अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मैं क्वेश्चन यहां पर अप कर रहा हूं। अब यहां पर हम लिखेंगे, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी है सॉल्यूट भी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ml, 10 ml बराबर लिखना है। गलती करते हो क्या, आप लिखते हो 10, वो गलत है, यूनिट भी साथ साथ लिखो। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है अभी निकाला, 100 ml मल्टीप्लाइड बाय जो इक्वेशन का 100 है, ये ml और ml खत्म हो जाएगा, ये 100 और ये 100 चला जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला 10%। ये है हमारा आंसर, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 10%। थैंक यू स्टूडेंट्स।